अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम TP-Link राउटर को क्विक सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.0.1, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे जो कि एडमिन एडमिन होता है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम क्विक सेटअप पे जाएंगे। क्विक सेटअप पे जाने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम राउटर मोड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम डू नॉट क्लोन करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना वाईफाई का नाम और पासवर्ड रखेंगे जो हम रखना चाहते हैं। नाम और पासवर्ड रखने के बाद हम इसको दोबारा से नेक्स्ट करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम अपने वाईफाई राउटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि जो हमने वाईफाई का नाम और पासवर्ड सेव किया था। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारा वाईफाई नाम शो हो रहा है जो कि अभी हमने किया था। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वाईफाई जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। हम दोबारा राउटर के सेटअप में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो है राउटर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही।